रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं बंगाल में। उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद है। हवाई सर्वे की ये तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं। 80 लोगों की मौत हुई है बंगाल में तूफान की वजह से और संपत्ति का भी जबरदस्त नुकसान वहां पर हुआ है। ऐसे में अब हालात को सामान्य करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। कल ही मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री खुद बंगाल आए और देखें यहां पर क्या स्थिति है, और इसके बाद प्रधानमंत्री ने बंगाल जाने का फैसला किया। लॉकडाउन के समय में प्रधानमंत्री का यह पहला ऐसा दौरा है जो दिल्ली से बाहर वो किसी दूसरे राज्य में गए हैं। लेकिन अब यहां से जो मुसीबतें हैं वो ये कि बिजली पानी को लेकर जो सप्लाई कट हुई उसे दोबारा शुरू किया जाए, जो लोग इस वक्त विस्थापित हैं कैसे उन्हें वापस उनके घरों में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि घर भी अभी उनके स्थिति में नहीं है कि उन्हें वहां पहुंचाया जाए, खाने पीने के सामान की दिक्कतें, तो ये सारी परेशानियां ऐसी हैं जो बहुत ही बुनियादी स्तर पर अब सरकार को ठीक करनी होंगी। इसमें राज्य सरकार केंद्र से मदद की उम्मीद भी कर रही है। आप देखिए हाथ में नक्शा लिए और पूरी ब्रीफिंग वहां पर प्रधानमंत्री की इस दौरान हो भी रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि कहां किस इलाके में नुकसान किस हद तक पहुंचा है। तो कोलकाता का हिस्सा है, उत्तरी 24 परगना का यह हिस्सा है जहां पर प्रधानमंत्री ये हवाई सर्वे इस वक्त कर रहे हैं। मनोज्ञा, अब तक कितना समय हो चुका है इस हवाई सर्वे को जारी रहते हुए, और यहां से जो बैठक इसके बाद होगी उस बैठक में कौन कौन लोग शामिल रहने वाले हैं? ये पहला हवाई सर्वे है जो अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों कर रहे हैं एक साथ एक ही हेलीकॉप्टर में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता के इलाके, आसपास के इलाकों को देखेंगे। एक रूट मैप बनाया गया है जिसमें खास तौर से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों को दिखाने की बात है। इस रूट मैप के जरिए ही, जो प्रधानमंत्री के हाथ में भी आपको दिख रहा है, गैजेट के जरिए देख रहे हैं, मैप के जरिए देख रहे हैं, और उसके जरिए जो रास्ता दिखा रहे हैं और जगह और उसके वहां पर पहुंची हुई क्षति का भी उनको ब्यौरा दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अब जो बैठक होगी बशीरहाट में, उसमें शामिल होंगे मुख्य सचिव, उसमें शामिल होंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उसमें शामिल होंगे सांसद जो दिल्ली से और मंत्री जो आए हैं साथ में, और वहां जिला के अधिकारी और आसपास के जिला के अधिकारी। दो जिले जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, मिदनापुर तो है ही, साथ ही दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना, यहाँ क्षति करोड़ों की हुई है। पानी घिर गया है घरों में, कई जगहों पर तो बिजली की व्यवस्था नहीं है, पोल्स टूट गए हैं, जितने भी बिजली के खंभे हैं वो सारे उखाड़ कर चला गया है तूफान। कई दिन लग सकते हैं इसको रिस्टोर करने में। उसके साथ साथ कोविड-19 का कहर, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखना होगा, उसी के चलते खुद प्रधानमंत्री भी आपको दिख रहे होंगे मास्क पहने हुए और आसमीज गमछा पहने हुए यहां पर जो दौरा कर रहे हैं। ये करीब एक घंटे तक का दौरा है, उसके बाद एक घंटे की मीटिंग होगी और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री चले जाएंगे उड़ीसा। उड़ीसा में भी आज इसी तरह से एक एरियल सर्वे होगा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ, और उसके बाद फिर उड़ीसा का जायजा लिया जाएगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवेदन था जिसमें कुछ ही घंटों में हाँ कहकर प्रधानमंत्री बंगाल में पहुंचे हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, और देखिए ये तस्वीरें अपने आप में इस वक्त बहुत कुछ कहती हैं। बेशक बीते दिनों में हमने राज्य सरकार और केंद्र के बीच टकराव की कई परिस्थितियां देखी होंगी, लेकिन यहां पर मदद अभी मानवता की करनी है। जो लोग वहां के निवासी हैं, जो इस वक्त भीषण परेशानी से गुजर रहे हैं, उनको सबसे पहले मदद पहुंचाई जाए, ये अभी सरकार की प्राथमिकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री भी लॉकडाउन के बीच दिल्ली से बंगाल पहुंचे हैं ममता बनर्जी की गुजारिश पर, और यहां पर हालात की समीक्षा इस वक्त की जा रही है कि परिस्थितियां क्या है और आगे राहत पैकेज को लेकर क्या ऐलान हो सकते हैं। ये बैठक के बाद इसको लेकर कुछ संकेत मिल पाएंगे। मनोज्ञा, जिस नुकसान का आकलन राज्य सरकार की तरफ से हुआ है, किस तरह की मदद की उम्मीद राज्य सरकार इस वक्त कर रही है केंद्र से? मुख्यमंत्री से ये सवाल किया गया था कि आप अपनी डिमांड्स में क्या रख रही हैं, आवेदन में क्या दे रही हैं बुलाने के अलावा। उन्होंने कहा कि अभी बातचीत है, प्रपोजल हमारे पास तैयार है, हम देंगे और उस पर देखेंगे क्या मिलता है। लेकिन राज्य सरकार का आकलन यह है कि 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की क्षति हो चुकी है, पिछला जो कर्ज है वो चुकाना बड़ा मुश्किल होगा। कोविड-19 की वजह से समस्या कई गुना है, क्योंकि ऑलरेडी अर्थव्यवस्था पर जिस तरह से धक्का लगा है इसे ठीक करने में कई दिन लग जाएंगे। इन सब के बीच में अब जो चुनौती अगली होगी वो ये कि जितना संभव हो सके स्थिति को सामान्य किया जा सके, कम से कम बिजली पानी खाने की सुविधा पहुंचाई जा सके, बशीरहाट हो या बाकी सारे इलाके हो। 21 तारीख का दिन दिया गया था लॉकडाउन खोलने के लिए बंगाल में। ईद का समय है, मुख्यमंत्री ने कहा था कि दुकानें, बड़ी दुकानें सभी खुल जाएंगी, लेकिन कुदरत का कहर देखिए, कोविड-19 ने जो मार किया था, जो नुकसान किया था, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान पिछले 2 दिन में हो गया है।
कोलकाता को सामान्य होने में कई हफ्ते लग जाएंगे। सड़कों पर जिस तरह से पेड़ गिरे हैं, जिस तरह से बर्बादी हुई है, उसने राजनीति को भी इस तरह से एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया है कि पिछले हफ्ते तक मुख्यमंत्री ने जिस प्रधानमंत्री की बुलाई हुई बैठक में लगातार ये कहा था कि फेडरल स्ट्रक्चर को धक्का लग रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है, केंद्र राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, वहीं आज के दिन इस तूफान के बाद हवा ऐसी बदली है कि मुख्यमंत्री के बुलावे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दोनों एक ही साथ एक ही हेलीकॉप्टर में दौरा कर रहे हैं और उसके बाद जगह का ब्यौरा लेकर स्थिति को समझकर, स्थिति का जायजा लेकर, स्थिति को अपने स्तर पर परीक्षण करके आगे की कार्रवाई पर ध्यान दिया जाएगा। बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो दो नेता जो आज एक साथ एक जगह नजर आ रहे हैं, एक के बुलावे पर दूसरा, जबकि पिछले हफ्ते तक लड़ाई या यूं कहें कुछ ही दिन पहले तक, कुछ घंटों पहले तक जिस तरह से छींटाकशी हो रही थी वो लगातार जारी थी। केंद्र बनाम सरकार हो, टीएमसी बनाम बीजेपी हो या फिर बाकी सारी लड़ाइयां, दिलचस्प बात तो यह है कि आज दोपहर में ही सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नुमाइंदे रहेंगे, खुद सांसद रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आज ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक ही चौपर पर बैठकर जनता के लिए, बंगाल के लिए और उड़ीसा के लिए एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, एक साथ एक मंच पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दिखना, वो भी उन तमाम परिस्थितियों में जब टकराव बीते वक्त में दिखे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो तस्वीरें दिख रही हैं ये बहुत कुछ कहती हैं। ब्रीफिंग यहाँ पर प्रधानमंत्री की जा रही है, जो वहां पर हालात है नुकसान की उसकी उनको जानकारी दी जा रही है, लेकिन अब यहां से आगे बैठक में क्या होगा, जिस बात की जानकारी मनोगिया भी दे रही थी कि प्रपोजल तैयार है राज्य सरकार का, अब आगे वो इस आकलन को जो उन्होंने हालात को लेकर किया है उसे किस तरह से केंद्र को सौंपते हैं, केंद्र के सामने क्या अपनी मांगे रखती हैं, वो मीटिंग के बाद ही उस पर कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी, संकेत मिल पाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस बीच बहुत कुछ कह रही हैं। ये आपने हवाई तस्वीरें देखी जब प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं इस इलाके का, लेकिन क्यों प्रधानमंत्री को यहां आना पड़ा, क्योंकि जो जबरदस्त नुकसान पहुंचा है अम्फान तूफान की वजह से उसकी झलक आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पेड़ जड़ से उखड़ गए, दीवारें ईंटों के मलबे में बदल गईं, बिजली के खंभे धाराशायी हो गए, सड़कों पर खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, टीन की छतें हवा में उड़ गईं, मकान दुकान सब पर अम्फान तूफान का कहर टूट पड़ा, यहां तक कि कोलकाता एयरपोर्ट पानी पानी हो गया। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान बंगाल को आफत के इस भंवर में फंसा गया। तूफान गुजर गया लेकिन उसके बाद जो तबाही के निशान दिखे उसने बता दिया कि सुपर साइक्लोन क्या होता है। बंगाल पर यह कुदरती आफत तब गिरी जब पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, एक तरफ कोरोना दूसरी तरफ तूफान, इनके बीच फंसे बंगाल की हालत को ममता बनर्जी ने कुछ यूं बयां किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक कोलकाता में 15, उत्तर 24 परगना में 17, दक्षिण 24 परगना में 18, हावड़ा में 7 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा नादी और पूर्व मिदनापुर में 6-6 लोग जान गंवा चुके हैं। चक्रवाती तूफान से 1,00,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। कहा जा रहा है 2 शताब्दी बाद ऐसा तूफान आया है। दक्षिण बंगाल के 7 जिलों में भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का जायजा लेने के लिए आज से 7 दिन तक मंत्रियों की टीम प्रभावित इलाकों में जाएंगी। तुरंत राहत के लिए 1,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। कोरोना को लेकर भले ही केंद्र और बंगाल के बीच खींचतान चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अम्फान से आई बर्बादी में केंद्र और राज्य मिलकर काम करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। कोलकाता में मनुज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मौजूद हैं इस वक्त बंगाल में और हवाई सर्वे वो इस वक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। इसके बाद होगी एक अहम बैठक जिसमें मुख्य सचिव शामिल होंगे, जिलों के अधिकारी शामिल होंगे जो तूफान प्रभावित क्षेत्रों को लेकर नुकसान की जानकारी देंगे।
नक्शे और गैजेट्स के साथ यहाँ पर पूरी डिटेल प्रधानमंत्री लेते हुए। मनोज्ञा लोहवाल हमारे साथ लगातार बनी हुई है कोलकाता से इस वक्त। मनोज्ञा, कल जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री खुद आकर देखें नुकसान कितना है, तो ये बयान उन्होंने दिया, लेकिन क्या उस समय बंगाल सरकार ने एक्सपेक्ट किया होगा कि प्रधानमंत्री इस तरह से अगले दिन यहाँ पहुंच जाएंगे? देखिए, इसे कहते हैं राजनीति, और राजनीति में शतरंज की बिसात पर वही चाल सबसे बड़ी होती है जो आखिरी में कह दे चेकमेट। कौन किसको क्या कहता है ये तभी मैटर करता है जब अंतिम क्षण पर, अंतिम पल पर रिस्पांस आए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भले ही ये कह दिया हो कि प्रधानमंत्री आकर खुद देखें, उसका जो नतीजा ये हुआ है कि कुछ घंटों में ही प्रधानमंत्री पिछले 3 महीनों में जो कहीं नहीं गए हैं, न होली के में से लेकर न किसी और त्योहार, न ही किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में, या फिर देश विदेश की जितनी मीटिंग्स हुई है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई है। ऐसे में जैसे ही एक आवेदन गया है उस पर इस तरह का रिस्पांस आना अपने आप में बड़ी बात है। इसमें प्लानिंग हो सकती थी, इसमें समय हो सकता था, लेकिन चंद घंटों में या यूं कहें अगले दिन ही आकर ये तो साबित हो गया है कि बंगाल और केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भले ही कितनी ही तीखी टकरार हो, सामंजस्य जनता के लिए जरूर बैठाया जा सकता है। दोनों आज जब एक साथ अभी बशीरहाट ग्राउंड पहुंच चुके हैं, अपने आप में वहां जब बैठक होगी जमीनी स्तर पर बात की जाएगी, और बशीरहाट तृणमूल कांग्रेस के ही सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के ही विधायक हैं, इसमें राजनीति दूर हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।